सो है गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। एक बंदा ने कमेंट किया था दादा शॉर्ट बोल के, बोल रहे सर जो गांव का मैप होता है मोजा मैप जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, मान के चलो कोई सेम में नहीं रहता है, तो उसको कैसे टोटल डिस्टेंस से मेज़र कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन यही था, जो हमारा मोजा मैप होता है, क्या गाँव का जो मैप होता है, जो प्लॉटिंग होता है, उसका जो मैप, उसको हम लोग कैसे टोटल डिस्टेंस से मेज़र करें, क्या प्लॉट करें। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले बहुत सारा स्टूडेंट को ये जो क्वेश्चन आपने किया है, बहुत सारा स्टूडेंट को ये क्वेश्चन था, मेरे को कमेंट करता था, मैं सोचा इसका एक डेडिकेट करके वीडियो बना दो, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए जो मोजो मैप को आखिरकार किस क्वेश्चन को यूज़ करके कैसे मेजरमेंट क्या मार्किंग कर सकते हैं। तो देखो, इसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता के चलूँगा। सबसे पहले दफ़ा जो हम लोगों को मोजो मैप मिलता है, क्या जो भी ड्राइंग हम लोगों को मिलता है, शायद वो PDF में मिलता है, नहीं तो स्कैन फाइल में मिलता है। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को दो काम सबसे पहले करना है, उसके बाद हम लोग टोटल डिस्टेंस यूज़ करके मेज़र क्या प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर वन पॉइंट है, स्केलिंग। हम लोगों के पास जो मोजा मैप अवेलेबल है, क्या हम लोग जो मोजा मैप कलेक्ट किए हैं उसको सबसे पहले स्केल करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग में लिखा हुआ है स्केल, क्या हम लोग मानते हैं जो ये स्केल फैक्टर है, तभी हम लोग स्केल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू, 1 माइल इज इक्वल टू 16 इंच, 1 माइल इज इक्वल टू 32 इंच, 1 माइल इज इक्वल टू 64 इंच, ये जो रेशो होता है, ये जो स्केल फैक्टर होता है, इसके मुताबिक हम लोगों को पहले ड्राइंग को सेटअप करना है। और कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बता के चलूँगा, ऑटोकैड में जाऊँगा, ऑटोकैड में जाने के बाद भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर हर भी खड़े, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल डिस्टेंस सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बरीके से बता दूंगा किस प्रकार से हमारे क्लासेस चलते हैं। हम लोगों को सबसे पहले स्केल करना लाजमी है, तभी हम लोग आगे का काम कर पाएंगे। और दूसरा है प्लॉटिंग करना, सुपर इम्पोज करना। हम लोग टोटल डिस्टेंस से जब वर्किंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, तो हम लोगों को सबसे पहले कोऑर्डिनेट में वो ड्राइंग को सेट करना पड़ेगा। चाहे मोजा मैप हो जाए, चाहे कोई प्रोजेक्ट बैठा रहे हो, आपकी रेफरेंस में काम होना है तो आपको ड्राइंग को सेटअप करना है, आपका रेफरेंस में ड्राइंग को सुपर इम्पोज करना है, अलाइन करना है, तभी जाकर आपका रेफरेंस मिलेगा। देखो, हर ड्राइंग को काम करने के लिए, चाहे गाँव का हो चाहे कोई प्रोजेक्ट का हो, दो मेथड से काम होता है। एक होता है ड्राइंग को सबसे पहले स्केल करना लाजमी है, दूसरा नंबर होता है सुपर इम्पोज क्या कोऑर्डिनेट में सेट करना। अगर ये दो काम हम लोग कर लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या DGPS कुछ भी कैसे भी मार्किंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा मेरा बात? जो हमारा दो जो फॉर्मूलाज है, दो जो प्रोसीडर है, दो आपको अप्लाई करना है। तो हम चलेंगे ऑटोकैड में, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा जो किस प्रकार से स्केल करते हैं और किस प्रकार से इसको ऑटोकैड फाइल बनाना है और किस प्रकार से सुपर इम्पोज करोगे, किस प्रकार से मार्किंग करोगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और ये जिसके पास ऑटोकैड फाइल नहीं है, मान के चलो जिसके पास PDF ड्राइंग है, PDF ड्राइंग होगा तो आपके लिए आसान रहेगा, जैसे मॉडिफाई थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर स्कैनिंग फाइल है आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको 1x1 पॉलीलाइन खींच के ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये हमारा Part 1 वीडियो रहेगा मोजा मैप को लेकर, क्योंकि कमेंट आया था बोल के मैं बनाया था, मोजा मैप को लेकर एक सीरीज बना रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके आएगा स्टेप बाय स्टेप। इनका कुछ डाउट है मेरे को कमेंट करना, मैं मोजा मैप ये जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसमें ही रहेगा, 2, 3, 4, 5 बोल के रहेगा। अब लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेना, नो डाउट आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। तो चलिए बगैर लेट में चलते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, देखो हम लोग अभी आ चुके हैं हमारा ड्राइंग पर, जो ड्राइंग को हम लोग स्केल करेंगे क्या सुपर इम्पोज करने के बाद हम लोग ऑटोकैड में इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी ड्राइंग, कोई भी प्रोजेक्ट जब हम लोग ऑटोकैड में सेट करते हैं क्या सुपर इम्पोज करते हैं, तो हम लोगों को रेफरेंस जरूरी होता है। चाहे हमारे पास कॉन्ट्रिंग ड्राइंग हो, चाहे हमारे पास कोई बाउंड्रीज हो, तो हमको रेफरेंस लाजमी होता है। देखो, ये जो लेटर है ना, ये बेंगोली लेटर है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में, फिर पढ़ना इसको। तो मैं समझा देता हूँ, देखो एक ड्राइंग है मोजा का,
मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाना चाहूँगा, टोटल एक ड्राइंग है, देख सकते हैं। ये मोजो का है जो खेत का है, नंबरिंग प्लॉटिंग करके रखा है, देखो नंबरिंग प्लॉटिंग है और ऊपर में डिटेल दिया हुआ है। अभी अभी स्केल फैक्टर इसमें दिया है देखो 16 इंच, ये बेंगुली लेटर है, 1/6 इंच इक्वल 1 माइल, ठीक है। जिसको बंगला आता है वो पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। 100 कड़ी, 100 लिंग भी बोल सकते हैं इसको, कड़ी का हम लोग लिंग भी बोल सकते हैं। 100 कड़ी एक जरीब, 100 कड़ी एक जरीब क्या, एक चेनेज बोल सकते हैं, ठीक है। और 80 जरीब पर 1 माइल। तो इसका जो स्केल फैक्टर है ये हम लोगों को समझना है। और इधर ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम को हम लोगों को स्केल में सेट करना पड़ता है। ये प्रॉपर स्केल पर बनाते हैं, जो रेफरेंस हम लोगों को दिया जाता है ये रेफरेंस को पकड़ के हम लोग सुपर इम्पोज क्या मार्च करते हैं। तो ये जो रेफरेंस कैसे समझेंगे, जो यहाँ से इसका दूरी कितना है, यहाँ से इसका दूरी कितना है, वो समझेंगे सबसे पहले। क्योंकि हम लोगों को रेफरेंस एक बार मिल जाएगा तो हम लोग एलाइगेंट क्या सुपर इम्पोज ईजिली कर सकते, स्केल को हम लोग बराबर कर सकते, स्केल को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते, अगर हम लोगों को रेफरेंस मिल जाएगा तो। सब कुछ इसमें प्रोवाइड करके रखे हैं, सिर्फ हम लोगों को समझना है जो कैसे होता है एक्चुअली। ये जो जरीफ है, ठीक है, ये जो हमारा चेनेज, मैं जो बोल रहा हूँ चेनिंग, जो 80 चेनेज में 1 माइल, तो सब डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा। और ये जो है ना, ये रेफरेंस होता है, ये इस जगह में हम लोग स्केल फैक्टर करेंगे ये हिस्सा को। और हर ड्राइंग पर एक स्केल के लिए डायग्राम मिलता है जिसको पकड़ के आप स्केलिंग करते हैं, ठीक है, समझ गया। इतना कोई भी ट्रिक लगा लो, यूट्यूब में कितना भी वीडियो देख लो, अगर आपको रेफरेंस ना मिले आप ड्राइंग को स्केल नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। कोई भी अगर प्रॉपर स्केल में ऑटोकैड ड्राइंग आपके पास है, अगर प्रॉपर स्केल में बना हुआ है, चाहे एमएम में हो चाहे मीटर में हो, तब आप उसको इजीली फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास रेफरेंस होना लाजमी होता है, रेफरेंस मांगता है, ठीक है, रेफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। रेफरेंस छोड़ के आप एलिगेंट कर नहीं सकते। तो ये सब चीज़ तो लिखा है हम लोगों को, स्केल मालूम हो गया, ये 100 कड़ी में 1 जरीब, 80 जरीब में 1 माइल। तो इसको हम लोग डिटेल्स में एक बार देख लेंगे, फिर हम लोग आएंगे जो कैसे इसको स्केल में बैठाएंगे ऑटोकैड पर, ठीक है। अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ सबसे पहले ऊपर करके। हाँ, इसको इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट करने के बाद मैं दिखा दूँ। अभी अभी देखो 16 इंच इक्वल 1 माइल, 16 इंच समान समान 1 माइल, स्केल फैक्टर 1 माइल इक्वल 80 जरीब, इसको चेन भी बोल सकते हो, जो 80 चेन, ठीक है। और 1 माइल इक्वल टू 8000 लिंक, लिंक मतलब इधर जिसको हम लोग कड़ी बोल रहे थे ना, जो 100 कड़ी थे 1 जरीब, तो ये जो कड़ी है इसको हम लोग लिंक बोल सकते हैं। और लिंक क्या है, अगर इसको जानना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, डिटेल में जाना पड़ेगा हम लोगों को, चेनिंग में जाना पड़ेगा। जब 40-50 साल पहले सर्वे होता था, जब चेन सर्वे होता था ना, उस जमाने में जब काम होता था ना, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं डेडिकेट करके और एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखिए, कमेंट करिए कुछ डाउट रहेगा तो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से दिमाग में घुसा लो, इसमें तुम्हारा डाउट क्लियर होने वाला है। 8000 क्यों आया है मैं बता देता हूँ, 100 लिंक इक्वल टू 1 जरीब क्या चेन है। तो अभी 80 इंटू 100 मतलब 80 जरीब पर क्या 80 चेन पर 1 माइल। तो इसको जरूरी नहीं उतना लिंक को, अभी अभी हमारा मेन जो बात है इसको समझो। अभी एक चेन, 1 चेन इक्वल 1 चेन इक्वल 22 गज, इसको दिमाग में घुसाओ। 1 चेन इक्वल 22 गज, ये हमारा काम में आएगा, ये नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दिया। लेकिन ये जो है ये काम का चीज़ है हमारा, ठीक है। 1 चेन इक्वल 22 गज क्या, 1 जरीफ, इसको जरीफ भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको जरीफ भी बोल सकते हो। 1 जरीफ इक्वल टू 22 गज क्या, 1 चेन इक्वल टू 22 गज, 1 गज इक्वल टू 3 फीट, ठीक है, 1 गज इक्वल टू 3 फीट। इसका मतलब हमारा 1 माइल इक्वल टू 80 जरीफ क्या, 80 चेन। तो अभी 80 × 22 इक्वल 1760 गज, ये कैसे निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ध्यान से समझो।
एक चेन इक्वल 22 गज, एक गज इक्वल 3 फीट, 80 चेन इंटू 22 इक्वल 1760 गज, ठीक है। अभी एक माइल इक्वल टू 1760 गज, 1760 गज हो गया। अभी जब हम लोगों को पता है जो एक गज इक्वल 3 फीट, तब हम लोगों क्या है ना 1760 इंटू 3 फीट हम लोग कर सकते हैं, इंटू 3 कर सकते हैं। अगर इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5280 फीट। एक माइल इक्वल 5280 फीट, ठीक है। अभी इतना समझ गया, जो हमारा एक माइल इक्वल हमारा इतना फीट निकल के आ गया। और फीट कैसे निकाला मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया, इस प्रकार से हम लोग फीट निकल लिया। अभी हम लोगों को बारी है जो एक चेन क्या एक जरी इक्वल कितना फुट, क्योंकि हम लोगों को चाहिए जो स्केल फैक्टर चाहिए यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, तभी हम लोग अलाइन कर सकते क्या सुपर इम्पोज कर सकते। तो इधर दिया है 0 to 5, ये बंगाली में लिखा है 5, 0 to 5 यहाँ तक दिया है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। तो यहाँ से यहाँ 5 जरीफ है, यहाँ से यहाँ 5 जरीफ है, टोटल 10 जरीफ क्या 10 चेन, यहाँ से यहाँ 5 चेन, यहाँ से यहाँ 5 चेन, 10 चेन। तो टोटल 10 चेन का दूरी हम लोगों को मालूम होना पड़ेगा, टोटल 5 चेन का दूरी हम लोगों को मालूम होना पड़ेगा। तो हम लोगों को कैसे मालूम होगा ना, एक चेन इक्वल हम लोगों को मालूम है 1 चेन इक्वल 22 गज, तो एक गज इक्वल 3 फीट, तो 22 इंटू 3 इक्वल 66। तो ये हमारा हो गया एक चेन क्या एक जरीब इक्वल 66 फीट, क्लियर। जो हम लोग एक चेन का एक जरीब हम लोग कैसे निकाला 66 फीट, तो पूरा प्रोसीडर आप लोगों का सामने किया हूँ, तो ये 66 निकल गया। अभी मान के चलो हम लोगों को क्या दिया है ना 0 to 5, 0 to 5 हम लोगों को कितना दिया ना 5 जरीब, ये देखो 1 2 3 4 5, तो हम लोगों को 66 फीट यहाँ से यहाँ 66 फीट, 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 यहाँ से यहाँ भी 66 फीट, तो 66 फीट इक्वल 5, 66 फीट इंटू 5 इक्वल कितना होगा हमारा 330, 330 फीट। 5 चेन इक्वल 330 फीट, ठीक है। अभी मान के चलो 10 चेन का अगर निकालना है यहाँ से यहाँ, क्योंकि हम लोग जब सुपर इम्पोज के अलाइन करेंगे तब यहाँ से यहाँ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ हमारा कितना होगा ना हम लोग 10 चेन का क्या 10 जरीब का अगर निकालना चाहेंगे इक्वल, तो हमारा वही होगा, इसको भी हम लोग कर सकते हैं 3 3 × 2, तो हमारा 660, 660 फीट। ये हमारा हो गया स्केल, हम लोग डायमेंशन निकाल लिया कैलकुलेट करके, और कैलकुलेट में जैसे मैं आप लोगों को समझाया हूँ इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अगर कुछ दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। 1 माइल इक्वल 80 जरीब, 1 माइल इक्वल 80 जरीब क्या चेन बोल सकते हो, 1 माइल इक्वल 1000 लिंग क्या आप कड़ी बोल सकते हैं, 100 लिंग इक्वल 1 जरीब क्या आप लोग चेन बोल सकते हैं, तो 80 जरीब इंटू 100 इक्वल 8000 लिंग। अभी हमारा ये जो पोजीशन है हम लोग समझ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या बताए थे ना, एक चेन इक्वल 22 गज और एक गज इक्वल 3 फीट, तो 80 जरीब क्या 80 चेन एज इंटू 22, तो एक माइल हम लोग माइल के साथ कर रहा हूँ, 1 माइल इंटू गज, एक माइल में कितना गज होता है वो निकल रहा हूँ, तो 1 माइल इक्वल टू 80 जरीब, तो 80 को हम लोग गज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 80 × 22 इक्वल टोटल गज निकल गया 1 माइल, तो 1 माइल इक्वल टू इतना गज हो गया 1760 गज इंटू 3, क्योंकि हम लोग स्केल को चेंज कर रहा हूँ यूनिट को,
तो ये हमारा इंटू थ्री एक माइल इक्वल 5280 आएगा, इतना फीट हो गया। अगर हम लोग एक चेन इंच का एक जरीब का निकालना चाहेंगे तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला है ना, एक चेन 22 गज है, एक गज 3 फीट का है, 22 इंटू 3 66 हो गया। तो 66 हमारा वन चेन का हो गया, क्या एक जरीब का हो गया। तो हम लोगों को क्या 5 जरीब का चाहिए, क्या 10 जरीब का चाहिए, क्लियर है ना। मैं दोबारा रिवाइज कर दिया, एक जब यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पाँच जरीब, क्या इधर से 5 यहाँ से 5 10 जरीब, तो 10 जरीब का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 5 चेन इंच, क्या 5 जरीब का इतना 330 फीट, और 10 चेन इंच का 10 जरीब का डिस्टेंस हमारा 660 फीट, क्लियर। अभी हम जब ऑटोकैड में काम करेंगे हमको मीटर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो फीट है हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हम लोग मीटर में इसको ड्रॉ करेंगे और स्केल करेंगे, स्केल करने के बाद फिर आप लोगों को मैं चेक करूँगा ऑटोकैड में चल गए, ठीक है। अगर आप लोग फीट में करना चाहेंगे तब भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं मीटर में काम करना बहुत पसंद करता हूँ इसलिए मैं मीटर में करता हूँ, और कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग फीट में करिए चाहे मीटर में करिए, आपका स्केल बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मीटर में करने के बाद आप इजीली फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फूड में करने के बाद भी आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है आखिरी तक मैं समझा चुका हूँ, जो ये अगर फूड में काम करना है तो ये ट्रिक ये वैल्यू अप्लाई करिए, अगर मीटर में करना है तो ये करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मीटर में करेंगे, अगर आपको फूड में करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो वैल्यू हम डालेंगे मीटर में वो आप फूड में डालिए, बस इतना ही। तो ये जो स्केल फैक्टर है हम लोग समझ चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे ऑटोकैड में, ऑटोकैड में जाने के बाद आप लोगों को इसको सुपर इम्पोज करेंगे, और सुपर इम्पोज करने से पहले ये डाटा को कैसे ऑटोकैड में लेके जाएंगे, क्या क्या प्रोसीडर है, पूरा फॉर्मेट में आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो मेरे चैनल पर मेरे तरह हर घड़े मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हमारे पास एक स्कैन कॉपी है, देख सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को ड्राइंग को दिखाकर एग्जांपल के दौरान समझाए थे वो ड्राइंग हमारे पास मौजूद है, और ये स्कैन कॉपी है, ये पीडीएफ नहीं है, एक फोटोकॉपी भी बोल सकते आप लोग। इसको हम लोग सबसे पहले ऑटोकैड में लेके जाएंगे, और जाने के बाद इसको स्केल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फाइल है हम डेस्कटॉप में इसको रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑटोकैड में जाएंगे, ऑटोकैड में जाने के बाद पहले दफ़ा एक फाइल बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरी है, नहीं तो आप एक न्यू टैब को ओपन करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू टैब ओपन करके ड्राइंग वन बनाया है, देन आप लोगों को आना है इंसर्ट पर, ठीक है। इंसर्ट में आने के बाद आपको इधर अटैच बोल के ऑप्शन मिल जाएगा, अटैच, अटैच में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप डेस्कटॉप में आ जाइए, डेस्कटॉप में आने के बाद फिर से डेस्कटॉप में क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कौन सा आपका स्कैन कॉपी है। तो हमारा ये एक स्कैन कॉपी है, हम इसको लेंगे, और इमेज अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो यहाँ से क्लिक करिए, ऑल इमेज फाइल इसको चूज करिए, अगर आपका कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स में रहेगा तब। उसके बाद आपको इमेज शो कर दिया जाएगा, आप इमेज को चूज कर लीजिए, उसके बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद इसको जैसा परमिशन मांग रहे हैं सी ड्राइव में रहने दीजिए, जिधर है डेस्कटॉप में जिधर ड्राइव है मांग रहा है इसको ओके कर दीजिए एज इट इज, ठीक है। ओके करने के बाद बहुत सारा यूट्यूब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो इधर से स्केल फैक्टर चेंज करते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्केल फैक्टर एज इट इज ऐसे रहने दो, ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद हम इसको प्रेजेंट करेंगे ऑटोकैड में कोई भी हिस्सा में, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे, जितना बड़ा हमको चाहिए तो थोड़ा सा हम बड़ा कर दिया, ओके। अभी देख सकते हैं इमेज हमारा कन्वर्ट होके आ चुके है ऑटोकैड में, और इसको सिलेक्ट अगर करोगे तो ये पूरा एक बार में सिलेक्ट होगा, बल्कि पीडीएफ में जैसे लाइन होता है क्या, ऑटोकैड में जैसे लाइन होता है, इसमें क्लिक करने से ये नहीं क्लिक होगा क्योंकि इमेज फॉर्मेट में ही। तो इसका अगर हम लोगों को ऑटोकैड का रूफ देना है तो हम लोगों को पॉलीलाइन लेके हर लाइन में हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये ऑटोकैड फाइल बनेगा, ठीक है। तो अभी मान के चलो इसको हम लोग अलाइन करेंगे, क्या सुपर इम्पोज करेंगे, कैसे। अगर आप लोग फीट में काम कर रहे हैं तो फीट में करिए, अगर मीटर में काम कर रहे हैं तो मीटर में करिए, अगर आप लोग फीट में काम कर रहे हैं तो आप फीट का वैल्यू डालिए। जैसे 660 फीट आपका टोटल दूरी था ना, ये स्केल फैक्टर क्या था, यहाँ से यहाँ तक
660 फीट, ये पांच चेन और यहाँ से पांच चेन, 10 चेन हो रहा था यहाँ से यहाँ। तो हम लोग इसको अलाइनमेंट करेंगे, जैसे हम लोग समझे हैं। तो हम लोग सबसे पहले लाइन खींचेंगे, हम मीटर में दे रहा हूँ, आप लोग फीट में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम पॉली लाइन लेंगे, पीएल एंटर, उसके बाद इधर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा दूर में रखेंगे इसको। अभी हम लोग वैल्यू देंगे 201.16799, ओके एंटर। अभी हमारे पास लाइन ड्रॉ हो चुका है, लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, राइट क्लिक एंटर। लाइन का कलर हम लोग थोड़ा सा अलग करना चाह रहे, ओके। इधर हम लोग लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, जिधर हम लोगों को अलाइन करना है। अभी बारी है इधर, इधर हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है पीएल पॉली लाइन, और इधर ध्यान से करना है जैसे इसका सेंटर हो लाइन का, क्योंकि मोटा है थोड़ा सा। इधर क्लिक, और इस साइड मैं ऑर्थो को ऑफ कर लूंगा, इस साइड क्लिक, इसका कोने में बिल्कुल ओके, राइट क्लिक एंटर। इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, रेड कर दूंगा, रेड कलर ओके। अभी इस साइड एक लाइन खींचेंगे, इस साइड पीएल एंटर, और इसमें, और इसमें क्लिक। आपको 0-0 करना है पूरा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसमें ही आपका स्केल फैक्टर छुपा हुआ है, ठीक है। इसको बाकायदे से करना है। अभी इसको आप खींच सकते हैं पॉली लाइन लेके, ओके एंटर, राइट क्लिक। अभी इसका भी हम कलर चेंज कर देंगे, ओके एस्केप। अभी देखो हम लोग पॉली लाइन ड्रॉ कर चुके हैं हमारा डायमेंशन के मुताबिक। अभी हम पूरा ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे पॉली लाइन को लेकर, ठीक है। पूरा ड्राइंग को सिलेक्ट कर लिया पॉली लाइन को लेकर, अभी हम अलाइनमेंट कमांड देंगे AL एंटर। अभी फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, और हम लोग इसमें मिलाएंगे जो हम लोग लाइन खींचे थे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्लिक करेंगे और हम इसमें मिलाएंगे सेकंड पॉइंट में, ठीक है। अभी राइट क्लिक, यस, देखो हमारा ड्राइंग जो है ना बैठ चुके हैं। जैसे मान के चलो अभी डायमेंशन कमांड ले लोगे, डायमेंशन कमांड यहाँ से लिया हमें, एनोटेशन में लीला ले लिया, ठीक है। जो डायमेंशन हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा डायमेंशन कुछ इस तरह का आ रहा है। इसको मैं कलर चेंज करने के लिए कोशिश करूँ तो नीला कलर दे दो, ठीक है। जैसे देखो जो डायमेंशन हम लोग ड्रॉ किए थे उसके हिसाब ही डायमेंशन आ रहा है हमारा, ठीक। अभी मान के चलो कोई भी डायमेंशन अगर हमको चाहिए तो यहाँ से हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है। कोई भी डायमेंशन अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। मान के चलो इसका डायमेंशन अगर हमको चाहिए यहाँ से, यहाँ सपोज, तो इसका भी डायमेंशन हमको मिल रहा है। देखो इसको हमको कितना होना है, जो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 100.583 आ रहा था, इधर हमारा आ रहा है 100.542, तो 40 mm का आसपास एरर मिल रहा है। हम लोग इमेज से लिया तो इतना तो एरर हमको मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। अगर हम बोलेंगे तो 0000 होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको एरर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को तो इमेज से कर रहा हूँ ना। अगर PDF है, कि ऑटोकैड फाइल है, तब हम लोग 0000 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन इमेज है ना, इमेज में हम लोगों को लाइन का थिकनेस जो है बहुत मोटा है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लाइन का क्या सेंटर है। हम लोग मोटा मोटा एक आप लोगों को समझाने के लिए किया, तो इतना एरर आपको मिलेगा, 20-25 mm का, 40 mm तक एरर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मीटर में था, एक बार देख लेना कितना डायमेंशन है। थोड़ा सा हम इसको कोशिश करें मिलाने के लिए, तो मिल भी सकते हैं, लेकिन हम तो सेंटर सेंटर लिया, इतना एरर आ ही रहा। तो अभी मान के चलो हम लोग इसको फिर से डायमेंशन अगर चेक करें अलग लेकर, तो हर खेत का हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो इसका इसका खेत का दूरी कितना है, देखो 13 मीटर है। अगर लंबाई हम लोग चेक करें तो कितना होगा इसका, इसका लंबाई कुछ इस प्रकार सा है, 42 मीटर है। अगर आप फीट में काम कर रहे हो तो फीट में शो करेगा। अभी जो काम में आता है, ठीक है, अभी जो करना है हम लोगों को वो कैसे करेंगे, जो हम लोगों को ड्रॉइंग को ड्रॉ कैसे करना है। देखो एक तो हम लोगों को भाई मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा पीएल एंटर। तो सपोज मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें पॉली लाइन लिया, क्लिक करो, जैसा लाइन है वैसे क्लिक करते जाओ। सपोज मैं एग्जाम्पल के दौरान दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इधर क्लिक, इसको ज्वाइंट, ओके राइट क्लिक। अभी फिर से पॉली लाइन ले लो, फिर से इसको ड्रॉ करो, इधर 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 इधर, ठीक है। इस प्रकार से पूरा ड्रॉ करना है, तब
तब जाके होगा। मैं अगर इसको फोटो को हटा दूँ, स्कैन कॉपी को मूव कर दूँ, तो दिखेगा जो हम लोग ड्रॉ किया है ना। देखो जो हम लोग ड्रॉ किया पॉली लाइन से वो रह जाएगा। तो पूरा ड्रॉ करने के बाद, नंबरिंग करने के बाद, जो बचेगा, जो हमारा पॉली लाइन बचेगा, वो प्रॉपर ड्रॉइंग बन जाएगा जैसे हम लोग किए हैं। तो इस तरीके से स्कैन कॉपी अगर आपके पास है तो इसको स्केल करना है, इसको बैठाना है, फिर आपको मार्किंग करना है साइड पर। अभी बारी आता है मार्किंग कैसे करोगे। अभी बारी आता है जो मार्किंग कैसे। इसको तो सेट तो हम लोग कर लिया, अलाइन कर लिया, स्केल में ला दिया। अभी इसको साइड में मार्किंग कैसे करें। जो ड्राइंग टेढ़ावा का था हमारा, इसको सेटअप कर लिया। अभी मान के चलो साइड में हम लोग इसको मेजरमेंट कैसे करें। तो अभी मान के चलो ये जो कोना है हमको मालूम है। मान के चलो एक एक कोना है ये वाला, मैं सर्किल ले लेता हूँ, सी फॉर सर्किल। और ये एक कोना है और ये वाला एक कोना है। सपोज मान के चलो साइड में हमारा इसका रेफरेंस है, क्या हमको मालूम है। मैं सबसे पहले बताया जो हम रेफरेंस छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। रेफरेंस मालूम होगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, रेफरेंस होना मांगता है। तो मान के चलो ये जो लाइन है, मान के चलो सपोज पॉली लाइन में खींच लेता हूँ, और खींचने के बाद ये जो रेफरेंस है हमको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये जो लाइन है मान के चलो हमको मालूम है, क्या वैल्यू मालूम है, क्या कोऑर्डिनेट मालूम है हमको। तो इसको मान के चलो हम इधर ले लिया, और लेने के बाद इसको मान के चलो थोड़ा सा हम रोटेट कर दिया, तो इसका पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ओके तो अभी मान के चलो अगर इसको हम अलाइनमेंट करें, मान के चलो हमारा ड्रॉ कर चुके हैं, जो फाइल है हम लोग ऑटोकैड में ड्रॉ कर चुके हैं, हमारा रॉ फाइल बन जाएगा इसके जैसा जो हम लोग पॉलीलाइन खींचे थे। तो सपोज मान के चलो ड्रॉ करने के बाद हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं, फिर से हम लोग उधर लेके जाएंगे। तो ए एल एंटर फिर से, और उसके बाद इसमें क्लिक, और इसमें क्लिक, फिर से इसमें क्लिक, इसमें क्लिक। अब क्या हो रहा है, अब कोऑर्डिनेट में सेट हो रहा है क्योंकि वैल्यू हमारा इधर है। राइट क्लिक, यस। अभी देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट में सेटअप हो चुका है, स्केल पर तो है ही है, अभी हमारा कोऑर्डिनेट में भी सेटअप हो चुका है। अभी मान के चलो IDD कमांड ले लो, IDD, और देने के बाद मान के चलो इस जगह का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस जगह का कोऑर्डिनेट भी हमको मिल जाएगा। देखो फिर से हमको इस जगह का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस जगह का भी कोऑर्डिनेट मिलेगा। अभी कोऑर्डिनेट में सेटअप हो चुका है, तो अभी इजीली जाके साइड में मार्किंग कर सकते हैं। जब हमारे पास दो रेफरेंस है, कि ये 2 TBM था हमारा, क्या हमारे दो लाइन का हम लोग सर्वे करके लेके आए थे, तो ये दो हमारा TBM है, इसका मुताबिक क्या ये रेफरेंस हमको दिया था, हम लोग साइड में पहले टोपो करके लेके आया, क्या कोऑर्डिनेट उठाने के बाद हम लोग ये रेफरेंस पकड़ के ड्राइंग को सेट किया, देन हमारा जितना सारा पॉली लाइन है, क्या हम लोग ड्रॉ किए हैं उसके मुताबिक हम लोग मार्किंग किया, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉली लाइन ड्रॉ करके आपको पूरा मेहनत करके बनाना है ड्रॉइंग को, देन आपको सुपर इम्पोज करके बैठाना है, फिर मार्किंग करना है। इतना भी इजी नहीं है, लेकिन आपके पास PDF के ऑटोकैड है, आप इजीली कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। जो टेढ़ा मेढ़ा ड्राइंग अगर आपके पास रहेगा, क्या मोजा में आपका आपका स्कैन कॉपी भी है, तो आप मार्किंग कैसे करेंगे। मेरा उम्मीद यही था जो शुरू से एंड तक आप लोगों को मैं दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, क्या काम होता है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग मोजा मैप को हमारा स्केल करने के बाद कोऑर्डिनेट में ला सकते हैं, देन हम लोग साइड में उसको प्लॉटिंग क्या मार्किंग क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद काफी सारा नॉलेज एंड जो डाउट था आप लोगों को सॉल्व हो चुका है। पहली बार चैनल पर आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो मेरे चैनल पर मित्रता हर घड़े मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।